नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर यूट्यूब चैनल पे। और अभी अभी हम लोग आ गए हैं वन विभाग मिलने के लिए डॉक्टर लोग से। और वो मुजफ्फरपुर भगवानपुर में जो विचित्र जानवर का जो चर्चा हो रहा है कि मीडिया में न्यूज में वन विभाग की तरफ से कि विचित्र जानवर मिला है, तो दोस्तों मैंने उस जानवर का वीडियो देखा, मैंने वीडियो का उसको फोटो देखा, तो देखने के बाद यही साबित हो रहा कि वो जानवर जो है ना कि कोई विचित्र जानवर नहीं है, हमारे ही देश में हमारे ही मुजफ्फरपुर में भी पाए जाते हैं, जिसे हम लोग मानवर के रूप में बोलते हैं। मतलब कि बोलिए ना, सपनेर का जो है ना कि दूसरा प्रजाति होता है, सीवेट बोलते हैं उसको, मानवर बोलते हैं उसे, वो जो है ना कि भगवानपुर में भी बहुत ही चरण सीमा पे मिलता है। आपको मारीपुर के पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हम जाके देखेंगे तो रात में वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो इसे हम लोग मानवर बोलते हैं। चलिए, लेकिन वस्तु स्थिति हम लोग जानवर के पास चलेंगे, तब आपको बताएंगे कि आखिर इस जानवर का क्या नाम है। चलिए चलकर देखते हैं। कल जो मुजफ्फरपुर में एक विचित्र जानवर मिला है, उस जानवर को देखने के लिए हम लोग वन विभाग आ गए हैं, और आप लोग को भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जानवर कौन है, जानवर का नाम क्या है, किस प्रजाति का है, ये सब देखते हैं। और वन विभाग से भी बातचीत करते हैं कि आखिर ये जानवर यहाँ मिलता है या फिर विलुप्त होता प्रजाति है, या फिर कुछ यूनिक तरह के जो है किसे एक अलग खोज है हमारे भारत देश में, ये भी देख बहुत ही उत्सुकता है जानने के, और आप लोग को भी बताएंगे ही हम लोग। चलिए देखते हैं हम लोग क्या है वस्तु स्थिति। ये मानवर ही है एकदम पक्का। मानवर है ना? हाँ, इधर आइए ना। जय हिंद दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं वन विभाग फाइनली, और जो कल जो जानवर पकड़ाया था, जो वीडियो में बताया गया था कि से एक विचित्र जानवर है, जो विचित्र जानवर पकड़ा गया है, वो जानवर के बारे में हम लोग देखने के लिए वन विभाग आ गए हैं। हमारे अफसर लोग जो हैं किसे यहीं पर हैं सर, सब लोग, और यही सर हो गए जो फेस किए थे, और पहले जो ना, एक मिनट सर, क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? शशि शेखर जी हो गए, जो वस्तु स्थिति जिस समय वहाँ पे प्रेजेंट थे, यही सर थे उस समय। कैसे कैसे क्या सर कुछ हुआ? इसको गए घुसल था पकड़ के, निकाल के पिंजरा बंद कर लिए ट्रैकर से। चलिए ठीक है, आइए दिखाते हैं उस जानवर को हम लोग। एशियन सीवेट जो है ना कि इनको, इसको बोला जाता है, और ये जीव जो है कि मांसाहारी जीव होता है, और इसका जो है ना कि ऊपर शरीर से जो है ना कि से जो बाल जो होता है ना, वो किसी कारण, बीमारी के कारण जो है ना कि इसका जो है ना कि से बाल सारा उड़ गया है, और देखिए गजब का। और ये मानवर का भी जो है कि ये मानवर जो होता है ना, मानवर का ही जो है कि दूसरा प्रजाति के रूप में दिख रहा है, अगर इसके बाल इसके शरीर पर पूरा आ जाए ना, तो एकदम जो है ना कि मानवर जो है ना कि इसको दिखे, मानवर की तरह ही दिखने लगेगा। चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा सा पानी देकर, पानी पीता है कि नहीं, और बहुत प्यासा भी होगा तो। ये देखिए किस तरह से पानी पी रहा है, पानी देखिए, इसको पानी जो है ना कि जरूरी है, बहुत प्यासा था ये, और इसको भूख भी जो है ना कि लगा हुआ है, पूरा शरीर जो है ना कि कमजोर हो चुका है, और क्या कहें हम लोग को समझ नहीं आता है, क्योंकि इसको जो है ना कि देखिए, एक अमरुद जो है ना कि उसमें डाल दिया गया है, एक रोटी डाल दिया गया है, जबकि यह जीव जो है ना कि शुद्ध मांसाहारी जीव होता है, ये जो है ना किसी अमरुद या रोटी उटी नहीं खा पाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी जानवर का दांत, दो दांत जो है ना कि आगे से केनाइन के तरह अगर रहता है, तो वो जानवर को जो है ना कि हम लोग जो है ना कि मांसाहारी जानवर की तरह मानते हैं, और वो मांसाहारी जीव होता ही है, क्योंकि ये पहचान ही होता है मांसाहारी जीव और शाकाहारी जीव हम लोग किसे बोले। तो जैसे ही किसी भी जानवर का दो केनाइन की तरह दांत जो है कि बाहर की तरफ निकल जाता है, जैसे कि कुत्ता हो गया, शेर हो गया, ये सब के जो है कि आप दांत देखने की कोशिश करेंगे तो केनाइन की तरह चाकू की तरह रहता है, इसका भी दांत जो है कि एकदम उसी तरह है, इसे जो है कि अभी भूख लगा हुआ है और प्यास भी लगा हुआ है, पानी पीने की जो है भरपूर कोशिश कर रहा है, केवल जो है कि से इसको जो है कि रेस्क्यू कर लिया गया, और उसके बाद यहाँ लाया गया इसको जो है कि खाना जो है कि अभी तक जो है कि इसको मुर्गा का पचौनी हो या कोई भी मांसाहारी जीव का जो है कि इसे अभी दिया जाए तो ये बेझिझक खाएगा ही एकदम। बाल उड़ने का बस कारण यही होता है कि ये जानवर अगर जंगल में रहता तो ये जो है ना किसे चूहा हुआ जो है कि पकड़ कर खाता, तो इसको पौष्टिक आहार मिलता,
लेकिन ये घना पोस्ट एरिया में आ जाने के कारण जो है कि जो नमक वाला या उबाला हुआ या तरल पदार्थ वाला खाना जब खाना चालू हो जाता है, कोई भी जानवर जो है कि मांसाहारी जीव अगर नमक खाना चालू कर देता है तो उसका जो है ना कि मांस जो है ना कि मांस पर से बाल जो है ना कि उड़ना चालू हो जाता है, ना कि बाल उड़ना चालू हो जाता है। जो यही कारण हुआ जो घने एरिया में ये गिर गया था, अगर जंगल में रहता तो ऐसा दिक्कत नहीं होता, लेकिन घने एरिया में गिरने के कारण ऐसा जो है ना कि इसका बाल जो है ना कि उड़ना चालू हो गया। चलिए आइए, कुछ नहीं दे सकते, लेकिन पानी भी था, पानी भी यही का था, इसलिए हम लोग पानी इसको दे दिए हैं। बाहर का चीज हम लोग इसे नहीं दे सकते क्योंकि वन विभाग के निगरानी में ये जीव को जो है कि रखा गया, लेकिन अफसोस की बात है निगरानी में जिस तरह से रखना चाहिए उस तरह से जो है कि नहीं रखा जा रहा है। कोई बात नहीं है, फिर भी इसे जो है कि थोड़ा सा पानी हम लोग कमजोर बहुत हो चुका है। इसको जो है कि कोई बीमारी के तहत जो है ये बोले ना मानवर जो जीव होता है एकदम इसके शरीर पे पूरा बाल आ जाए तो एकदम ये मानवर ही है, इसे मानवर ही हम लोग बोलेंगे। ये मानवर जीव है, जो विचित्र लोग जो बोलते हैं कि विचित्र जानवर पकड़ा है वैसा कुछ नहीं है, ये जो है कि मानवर ही है, एकदम 100% ये मानवर है। इसके शरीर पर किसी बीमारी के कारण जो है ना कि इससे बाल जो है ना कि इस पर से हट गया है, जिसके कारण चलिए दोस्तों अब इसको हम लोग सही सलामत इसको हम लोग देख लिए। और इसको वीडियो को पसंद आया तो हमारा यूट्यूब चैनल स्नैक रस्कुम मुजफ्फरपुर को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि ऐसे ही बेजुबा जानों का जान बचाया जा सके और फिर ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आपके पास आया जा सके। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक और खतरनाक अगले वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद।